हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 19 अप्रैल 2019 की प्रीलिम्स ब्रिटिश सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज की हमारे कुछ क्वेश्चंस, फिर देखते हैं आज की हमारी न्यूज़। पहला जो क्वेश्चन है वो है रेजिलिएंट सिटीज एशिया पैसिफिक कांग्रेस को लेके। क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है रेजिलिएंट सिटीज एशिया पैसिफिक कांग्रेस 2019 को लेके बताना है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इट विल ऑफर सिटीज एंड रीजन्स फ्रॉम एशिया पैसिफिक ए वेराइटी ऑफ इनोवेटिव सॉल्यूशन दैट विल रेजिलाइन टू द क्लाइमेट चेंज एट द सब नेशन लेवल। क्या कह रहा है? देखो, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एशिया पैसिफिक के एरिया में इनोवेटिव सॉल्यूशन किस चीज़ के लिए? क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट निपटने के लिए। मतलब वो सिटी जो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए कोई भी इनोवेटिव सॉल्यूशन है वो लेके आती है, इसके लिए कोलेब्रेशन यहाँ पे होती है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि ये ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। तो देखो, यहाँ पे हम बात करें इसकी तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बट सेकंड स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है सेकंड स्टेटमेंट, वो हम देखते हैं। ये आयोजित की गई थी वैसे इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल इन्वायरमेंट इनिशिएटिव और इसी के साथ ही साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। तो आयोजित कहाँ की गई थी? न्यू दिल्ली में। और ये ध्यान रखना है कि अभी इसका चौथा एडिशन है ना, वो आयोजित किया गया था, यानी कि रेजिलिएंट सिटीज एशिया पैसिफिक कांग्रेस का चौथा सेशन है वो अभी इंडिया में आयोजित है, वो हुआ था। तो ये इफेक्ट आपको ध्यान में रखना है। रेजिलिएंट सिटी का देखो आपको सीधा सीधा मतलब बताऊँ तो ये होता है कि वो सिटी जो भी कोई भी ऐसी आपदा, कोई भी डिजास्टर आ जाए उससे निपटने में कैपेबल हो। जैसे कि मान लो कोई भी भूकंप आ गया हो तो उससे फिर जल्दी से जल्दी रिकवर करने में उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको रिकवरी नहीं कर पाए। तो उस सिटी को मेनली कहा जाता है कि रेजिलिएंट सिटीज़। तो उसके लिए बेसिकली कांग्रेस की जाती है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से अलग अलग पर्सनस हैं, लगभग 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे आए थे रिप्रेजेंटेटिव, और वो आपस में कोलाब्रेशन करते हैं कि भाई आप कौन कौन से टेक्निक यूज करते हो, किस किस तरीके से सॉल्यूशन लेके आते हो, जैसे कि आपके वहाँ पे बाढ़ आई वगैरह ऐसी ऐसी कंडीशंस में। तो ऐसी बातें यहाँ पे की जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आया है वो आया है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट ईपीसीएच। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यह इंडिया की नोडल एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी है हैंडीक्राफ्ट को लेके, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को लेके। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो देखो, जो ईपीएस है ना, यह मैं आपको बता दूं, यह गवर्नमेंट का ही एक पी मतलब गवर्नमेंट की एक कंपनी है वैसे तो, और यह है वो हैंडीक्राफ्ट आइटम होते हैं, इनको एक्सपोर्ट करने के लिए एक नोडल एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी है। बिल्कुल सही है, बट यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत नहीं आती है, यह आती है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत यह आती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ओनली यह है वो यहाँ पे सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आया है यहाँ पे रिधेम प्रोग्राम को लेके। पहला स्टेटमेंट ये है कि यह जो इनिशिएटिव है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका मोटो ये है कि जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन है ना, उनको हार्ट डिजीज से लेके जो भी फ्री सर्जरी है वो प्रोवाइड करवाई जा सके। तो देखो, जो रिधेम स्कीम है ना, ये बिल्कुल सही है सेकेंड स्टेटमेंट, कि हार्ट डिजीज के जो बच्चे हैं, पेशेंट हैं, बच्चों में स्पेशली बच्चों पर फोकस किया गया है, ध्यान रखना है इस स्कीम में, उनको फ्री में सर्जरी प्रोवाइड करवाई जा सके। बट यह है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है, यह केरला गवर्नमेंट की स्कीम है। तो आपको ध्यान रखना है कि केरला गवर्नमेंट के द्वारा यह इनिशिएटिव है वो स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको दो वर्ड दिए गए हैं यहाँ पे, एक तो दिया गया है सदर ए रियासत, जिसका मतलब है यहाँ पे प्रेसिडेंट, और दूसरा है वजीर ए आजम, इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर। तो आपसे पूछा गया कि यहाँ दोनों में से कौन सा करेक्टली मैच है। देखो, अभी आपने न्यूज़पेपर में देखे होंगे 5-7 दिनों में, क्योंकि आपको पता है ये जम्मू एंड कश्मीर को लेके आए थे कि जम्मू एंड कश्मीर में जो पार्टियां वगैरह कह रही थी कि प्राइम मिनिस्टर वगैरह को अपॉइंट किया जाएगा वगैरह वगैरह, तो मेनली वहाँ पे इन दो वर्डों का यूज़ है वो होता है। तो दोनों के दोनों में आपको बता दूँ ये करेक्टली मैच हैं। जम्मू एंड कश्मीर में जो सदरी रियासत होता है इसका मतलब है प्रेसिडेंट, और वजीर ए आलम का मतलब होता है प्रधानमंत्री। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि दोनों दोनों यहाँ पर करेक्टली मैच हैं। अब देखते हैं आज की हमारी न्यूज़। पहला जो आर्टिकल आया है वो आया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लेके। तो कंटेक्स्ट को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम ये जानते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी होती है। देखो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, वो साइट होती है जो या तो नेचुरल भी हो सकती है, मैन मेड एरिया भी हो सकता है, या फिर कोई स्कल्पचर इन कोई आकृति वगैरह भी हो सकती है। यूपीएससी की बार ऐसे दे सकते हैं कि ओनली नेचुरल साइट, नहीं भाई ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और वो साइट जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस हो, मतलब उसकी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक वैल्यू हो अलग से, और जो कि एक स्पेशल हो, अपने आप में यूनिक हो, और जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, उस साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा है वो दिया जाता है।
ये दर्जा कौन देता है? ये दर्जा दिया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन के देखो छह इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिनमें हम बात करें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को, वो है बेसिकली वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा वो देता है और इनको मेंटेन है वो करके चलता है। इसी के साथ ही हम बात करें यूनेस्को के और फैक्ट के बारे में, यूनेस्को है वही वर्ल्ड हेरिटेज साइट को मेंटेन करके चलता है ह्यूमैनिटी के लिए, और इसी के साथ ही जो उसके कल्चर और जो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसको बनाए रखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इसका हो जाता है। ये तो देखा हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। अब देखते हैं कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट ये आया है कि हर साल 18 अप्रैल यानी कि कल के दिन ही वर्ल्ड हेरिटेज डे वो मनाया जाता है हर साल, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। मोटो क्या होता है इसका? मोटो ये होता है कि जो भी हेरिटेज साइट है वर्ल्ड लेवल पे उनके बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके, और जो हेरिटेज हैं उनके बारे में लोगों को मतलब जल्द से ज़्यादा अलर्ट रखा जा सके और उनको कंजर्व करने में भी फोकस है वो किया जा सके। इस बार की जो थीम है वो हम बात करें वो थी रूरल लैंडस्केप्स को लेकर, तो ये थीम भी हमें थोड़ी ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल 37 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, बट इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें एक तो मिक्स्ड हेरिटेज साइट है और बात करें 7 है वो नेचुरल है और 29 है वो कल्चरल हेरिटेज साइट है। मिक्स्ड कौन सी है ये आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इंडिया की कौन सी मिक्स्ड हेरिटेज जो मिक्स सॉरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है, इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओ। नॉर्थ ईस्ट में है मैनली से, ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है रावण 1 सेटेलाइट को लेकर, तो देखो नाम से पता चल गया होगा आपको कि रावण 1 सेटेलाइट कहाँ का था। रावण 1 जो सेटेलाइट है ये श्रीलंका के द्वारा लॉन्च है वो किया गया है और श्रीलंका का यह पहला सेटेलाइट है, तो इसीलिए हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका और हमें पता होना चाहिए कि उनका सेटेलाइट है। बाकी UPSC ज़्यादा नहीं पूछेगी कि कितना KG वेट है, कहाँ से लॉन्च किया गया वगैरह वगैरह, बस ये ध्यान रखना इंडिया ने इसे लॉन्च नहीं किया है, नासा के थ्रू इसको लॉन्च है वो करवाया गया है। इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि रावण सेटेलाइट है कहाँ का, श्रीलंका का। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है एक्साइड सी विगल को लेके। देखो एक्साइड सी विगल है ये बेसिकली इंडियन नेवी की एक कोस्ट डिफेंस एक्सरसाइज है, ये आपको ध्यान में रखना है, मतलब कोस्टल एरिया में एक्सरसाइज है मेनली की जाती है, नेशनल लेवल की एक्सरसाइज में और कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है, बस इंडिया की नेवी और जो कोस्ट गार्ड है वो इसमें पार्टिसिपेट है वो करते हैं। और इसमें कौन कौन इंडिया के जो कोस्टल स्टेट हैं और जो यूनियन टेरेटरीज हैं ना उनके कोस्ट गार्ड वगैरह हैं और जो उनके स्टेक होल्डर हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये फैक्ट हमें ध्यान में यहाँ पे रखना है कि सी विगल एक्सरसाइज वो किस किस के बीच में है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है टाइगर सेंसस को लेके, मतलब टाइगर की जनगणना। देखो जिस तरीके से हमारे देश में मतलब लोगों की जनसंख्या है उनकी जनगणना है वो हर 10 साल में की जाती है, उसी तरीके से हमारे देश में जो टाइगर हैं यानी बाघ हैं इनकी जनगणना है वो हर 4 साल में की जाती है, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और 2006 से टाइगर सेंसस है वो इंडिया में स्टार्ट हुआ हुआ है, हर 4 साल में होती है नेशनल लेवल पे। कौन कंडक्ट करता है? यह कंडक्ट की जाती है एक स्टेचुरी बॉडी है जिसका नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि NTCA है, इसके द्वारा हमारे देश में टाइगर की जनगणना संख्या काउंट की जाती है। और इसी के साथ ही वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर सोचो सोचो कहाँ पे होना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसी के साथ ही यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है वो इसके लिए फंड है वो प्रोवाइड करवाती है और कोऑर्डिनेशन देती है ताकि ढंग से जो टाइगर सेंस है वो आयोजित की जा सके, तो ये आपको फैक्ट ध्यान में रखने हैं। कुछ और फैक्ट हम देख लेते हैं। देखो इसके बारे में एक UPSC ने क्वेश्चन भी पूछा था, आई थिंक 2016 या 2017 में क्वेश्चन पूछा था एम्स ट्रिप्स को लेके कि यह क्या है। देखो एम्स ट्रिप्स की फुल फॉर्म है वैसे तो मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, ये एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, मतलब जो टाइगर होते हैं इनको मॉनिटर करने के लिए एक एप्लीकेशन बनाया गया था, तो इसके बारे में UPSC ने पहले भी क्वेश्चन पूछा है, तो UPSC फिर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेती है। और आपको पता है टाइगर की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इंडिया है वो टाइगर रेंज कंट्रीज में आता है। टाइगर रेंज कंट्रीज देखो मेनली वो होती हैं जहाँ पे टाइगर है ना वो फ्रीली घूमता है, मतलब चिड़ियाघर वगैरह को छोड़ के हम बात करें उस भी बात की जाती है। और देखो इसमें जो टाइगर की जनगणना की जाती है ना वो जियो टैगिंग के आधार पे की जाती है, उनकी इमेजेस ली जाती हैं और उनका एक डाटाबेस तैयार किया जाता है कि भाई कौन कौन से एरिया में टाइगर आते हैं ज़्यादा, क्या क्या उनकी मतलब किस रूट से उनका इंपॉर्टेंट आना जाना होता है वगैरह वगैरह। और अगर हम बात करें हमारे देश में लास्ट टाइगर सेंसस की वो क्या कहा था 2014 में, और उस दौरान टाइगर की जनसंख्या थी हमारे देश में 2226। तो अब आप ये बताओ कि जो टाइगर है वो IUCN की कौन सी लिस्ट में आता है, टाइगर है वो IUCN की कौन सी लिस्ट में आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। वैसे तो बहुत सिंपल है बट आप इसके बारे में बताना। तो UPSC एक क्वेश्चन पूछ सकती है CA
टीएस को लगे, सीएटीएस। देखो ये जो सीएटीएस है ना, ये भी टाइगर कंजर्वेशन के लिए एक स्टैंडर्ड है, ये आपको ध्यान में रखना है। सीएटीएस है वो भी टाइगर कंजर्वेशन के लिए स्टैंडर्ड है, तो उसको लेके ये स्टैंडर्ड क्या आपको बता दूं एक बार। सीएटीएस का मोटा मोटा सीधा सीधा मतलब ये है कि जो टाइगर है ना, इनके जो भी कंजर्वेशन के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ना, वो कौन से नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईटीसी के द्वारा मतलब रेगुलेट, या सॉरी जो नेशनल पार्क वगैरह है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उनके द्वारा पूरे फुलफिल किए जा रहे हैं। मतलब जो भी इंटरनेशनल लेवल पे टाइगर कंजर्वेशन के गाइडलाइंस है ना, उनको फुलफिल किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, वो स्टैंडर्ड है सीएटीएस। तो यूपीएससी पूछ सकती है कि भाई सीएटीएस न्यूज़ में है किस रिलेटेड है, तो हमें पता होना चाहिए कि टाइगर कंजर्वेशन को लेके यह स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है मार्स बेस वन को लेके। देखो मार्स बेस वन है ना, ये है एक्चुअली मार्स यानी मंगल ग्रह का जिस तरीके का वातावरण इन्वायरमेंट है, उसी तरीके की एक ज्योग्राफी तैयार की गई है। कहाँ पे ये तैयार की गई है? चाइना में। चाइना में जो गोबी मरुस्थल है ना, वहाँ पे बेसिकली ये एक मतलब ऐसा सेटअप तैयार किया गया है जिससे वो फील दिलाएगा कि हाँ भाई मार्स पे है, मंगल ग्रह पे है। तो वही मंगल ग्रह जैसे यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, चारों तरफ सूखा सूखा एरिया है, तो वहाँ पे मतलब क्या होगा, जो रिसर्चर्स होंगे वो रिसर्च कर सकेंगे थोड़ा, उनको पता रहेगा कि हाँ भाई मंगल ग्रह पे ऐसा इन्वायरमेंट है, मतलब इन्वायरमेंट का मतलब वहाँ पे ऐसी ऐसी कंडीशंस हैं, हमें कैसे वहाँ पे सर्वाइव करना है, और आगे इसका टूरिज्म सेक्टर में भी यूज है वो किया जा सकता है। तो यूपीएससी पूछ सकते हैं कि मार्स बेस वन कहाँ पे है, तो ये चाइना का जो गोबी डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट है कहाँ वैसे? वैसे चाइना और मंगोलिया में दोनों में फैला हुआ है, और चाइना का एक प्रोविंस है जिसका नाम है गानसू। तो वहाँ पे जो डेजर्ट मतलब पहाड़ियाँ हैं वगैरह, उस एरिया में इसको एक मतलब कॉपी तैयार की गई है मंगल जैसी, तो ये हमें ध्यान में रखना है। बात करें हम गोबी डेजर्ट की, तो देखो यह सेंट्रल एशिया में है डेजर्ट, और गोबी है वो एक बेसिकली मंगोलियाई वर्ड है। गोबी का मतलब होता है पानी रहित एरिया, मतलब वो एरिया जहाँ पे पानी नहीं हो। बाकी हमने देखो डिस्कस कर लिया कहाँ कहाँ पाया जाता है। और गोबी डेजर्ट के हम बात करें नॉर्थ में, तो वहाँ पे आता है अल्ताई माउंटेन है और मंगोलिया के, और इसी के साथ ही साउथ में हम बात करें या दक्षिण पश्चिम में बात करें तो वहाँ पे तिब्बत पठार है। तो कई बार यूपीएससी लोकेशन भी पूछ सकती है कि कौन कौन सा, थोड़ा हमें लोकेशन भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है पार्टिसिपेटरी नोट्स यानी कि पी नोट्स को लेके। देखो इकोनॉमी से रिलेटेड है, आजकल काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है, तो यूपीएससी पूछ सकती है पी नोट्स के बारे में। वैसे तो अभी कंटेक्स्ट ये था कि पी नोट्स के थ्रू इंडिया में जो अभी रिसेंटली इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 78,000 करोड़ के अप्रोक्सीमेट है, वो हो चुका पहुंच चुका है, तो उसी को लेके आई इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ पे की गई है। तो क्या है पी नोट्स? देखो आपको पता होगा कि अगर इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट यानी से हमें इंडिया के अंदर कोई भी स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हो, तो हमें सेडी जो सेबी है, जो कि आपको बताया कि इनको रेगुलेट करती है, उसकी गाइडलाइन या वहाँ पे रजिस्ट्रेशन जरूरी है। उसके बिना हम स्टॉक मार्केट वगैरह में रजिस्टर नहीं, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। बट ये मान लो कि फॉरेन का कोई आदमी है, ये मान लो कि हाँ, ये मान लो ट्रंप का एग्जाम्पल, मान लो एक आदमी है ट्रंप है, उसको पैसे इन्वेस्ट करने हैं इंडिया के शेयर मार्केट में, तो अगर वो इंडिया के स्टॉक मार्केट में रजिस्टर नहीं है तो वो पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकता। बट उसके पास एक मेथड होता है जिसका नाम है पार्टिसिपेटरी नोट। पार्टिसिपेटरी नोट्स में क्या होता है, ट्रंप है वो पहले एक ऐसे इंस्टीट्यूट के पास जाएंगे जो कि इंडिया में, जो इंडिया का शेयर मार्केट ना सेबी, इसके साथ रजिस्टर हो। ये मान लो कि वो जाएंगे एचडीएफसी बैंक के पास, क्योंकि एचडीएफसी बैंक है वो, उसने अपने आप को रजिस्टर करवा रखा है सेबी के साथ। तो वो क्या करेंगे, एचडीएफसी बैंक को पैसे दे देंगे कि हाँ भाई ये लो, हमें इंडिया के मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो एचडीएफसी बैंक उनको एक नोट से ने एक नोट देगा एक तरीके का, या आप बोलो लेटर टाइप का, कि हाँ भाई ठीक है आपने इतने पैसे इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं। अब देखो डायरेक्टली तो हम बात करें, ट्रंप ने पैसे इंडिया में इन्वेस्ट नहीं किए ना, इंडिया के शेयर मार्केट में, क्योंकि उन्होंने तो एचडीएफसी बैंक को दिए हैं, और अब एचडीएफसी बैंक है वो अपने दम पे इंडिया में इन्वेस्ट है वो कर रहा है। तो ये मेथड या ये जो नोट हुआ, उनको जो लेटर दिया गया एक तरीके का कि हाँ भाई ठीक है आपने इतने पैसे दिए, बॉन्ड टाइप का जो दिया गया, वो होता है पी नोट्स, या उसको पार्टिसिपेटरी नोट्स के नाम पर जाना जाता है। इससे इंडिया में काफ़ी तरह की एफडीआई के बेनिफिट भी होते हैं, बट देखो इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि पी नोट्स है ना वो कभी भी मतलब बिना टाइम से, क्योंकि इसमें कुछ टाइम लिमिट फिक्स नहीं होती है कि भाई इतने टाइम के लिए आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो कई बार क्या होता है, कुछ लोग पैसा एक साथ बहुत सारा इन्वेस्ट करते हैं इंडिया के मार्केट में, और फिर सडनली पैसा निकाल लेते हैं, तो जिससे मार्केट जो है वो थोड़ा अनस्टेबल भी हो जाता है। बट ये ध्यान रखना कि सेबी ने पी नोट्स जो एक्साइज है वो इंडिया में अलाउ की गई है, मतलब पार्टिसिपेट नोट्स इंडिया में अलाउ हैं 1992 से, जो मतलब ये डिसीजन है वो लिया गया है।
तो ये ध्यान में रखना है। इसमें इन्वेस्ट कौन करता है? फॉरेन का वो पर्सन जो कि इंडिया के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, वो क्या करेगा, इंडिया में जो भी रजिस्टर्ड फॉरेन की ब्रांच है उसके थ्रू पैसे इन्वेस्ट करता है। मतलब खुद तो कर नहीं सकता डायरेक्टली, तो जो भी रजिस्टर्ड है सेबी के साथ इन्वेस्ट करने के लिए उसको पैसे देगा, फिर वो इंडिया में पैसे इन्वेस्ट है वो करेंगे। तो ये मेथड है वो मेनली होता है। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।